रियासत मदीना की बात करता है, कल कहता है ये कोरोना की वजह से महंगाई है। पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ से नहीं काम लेता, मैं हकायक बताता हूं कि आज 5 महीने से भारत में महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। 4.3% महंगाई है वहां पर। बांग्लादेश में 5.5% महंगाई है। श्रीलंका में 5.7% महंगाई है। और यहां पर आज के दिन जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, हफ्तावार महंगाई जो है वो 12% है, डबल डिजिट। और महीनावार जो महंगाई है वो 9% है। तो मुझे आप बताएं कि रीजन में सारे मुल्क मैंने आपको गिनवा दिए, यहाँ पर क्यों महंगाई इतनी ज़्यादा है? क्या कोरोना वहाँ पे नहीं आया? क्या कोरोना से वहाँ पे हज़ारों लोग लुकमा अजल नहीं बन गए? तो इनका काम 3 सालों में चौथा साल है झूठ झूठ, इंतकाम इंतकाम। चलो इंतकाम अगर अपोजिशन से लेते तो और बात थी, अब तो गरीब लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है और इनका झूठ इनका इंतकाम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारी जमात का ये फैसला है कि अब हम इंशाल्लाह आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा चीनी दाल बिजली गैस सब सब के लिए मैं इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। और अब ये फैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा, और इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून जो है इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले भी बताया कई मरतबा कि हमने काली पट्टी बांध कर हल्फ लिया था असेंबली में, क्योंकि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। हम इनको मौका देना चाहते थे कि ये परफॉर्म करें, कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते थे कि ये सियासी शहीद बने। आज वो काम कोई और ना कर सकता था, ना मैं कर सकता था, ना मीडिया कर सकता था, जो आज अल्लाह की ज़ात ने किया कि अल्लाह ने इनके हर झूठे वादे को बेनकाब कर दिया कौम के सामने। कौम अब उठ खड़ी हुई है, हम अपना हर जमहूरी रास्ता अख्तियार करेंगे और इस हुकूमत को बेनकाब करेंगे और आवाम के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और एक और बात भी बता दूं मैं आपको, ये रियासत मदीना की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि जो फीकस आमदनी एक आम आदमी की होती है, जो 2017 में $1641 थी, आज वो गिरकर $1500 पर आ गई है। हिंदुस्तान में $1900 पर है और बांग्लादेश में $2200 पर है। तो मुझे बता दें, मैं किसी और मुल्क की यूरोपीय मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं तो रीजन की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ है इनकी अपना वो आइंस्टाइन्स जो कहते थे कि हम यहाँ पर कर्जा नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, जो कहते थे कि जी हम $200 अरब लेकर आएंगे। और इंतकाम की हद देख लीजिए कि सबको अंदर डाला, अदालतों के फैसले बोलते हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि 21 माह हमने अकाउंट फ्रीज किए और बेलाग इंक्वायरी की। खुदा के फजलो करम से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो वो आज जो साफ चली शफाफ चली एहतसाब का बयानिया, वो भी आज जमीन में दफन हो चुका है। और अब इनके पास झूठ के अलावा, शर्मिंदगी के अलावा, नदामत के अलावा कुछ नहीं है। अवाम के साथ मिलकर इनका मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात हो चुकी, जब उनके डॉक्टर्स इजाजत देंगे वो आएंगे। मैं मौजूद हूँ, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनकी जमात मौजूद है, हम सब मौजूद हैं, मैदान अमल में हैं, सब ने जेलें काटी उनके साथियों ने। तो इंशाल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे, उनकी सेहत का मामला है, जब डॉक्टर इजाजत देंगे वो आएंगे इंशाल्लाह।
फायदा पहुंचेगा। और दूसरा जो है नैब के जो चेयरमैन की जो सरगर्मी के हवाले से जो अपोजिशन लीडर की आईनी मशावरत का हक है वो क्यों उन्होंने खत्म किया, उसके लिए आप आवाज उठाएं। अब देखे ना, यही मसरूफ जो इमरान अहमद नियाजी साहब हैं वो कहते हैं कि दो पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। तीन साल बाद जब आटा स्कैंडल में अरबों का गबन सामने आ गया, चीनी स्कैंडल में अरबों का गबन सामने आ गया, एलएनजी के अंदर जो कारस्तानी उसका गबन सामने आ गया, रिंग रोड पिंडी का अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया, आज याद आ गया है जी कि नैब कवानीन में चेंजेस लानी चाहिए। जो शख्स चार साल चीख चीख कर कहता रहा अपोजिशन को कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज खुद उसने एनआरओ ले लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि नैब के अंदर तरामीम होनी चाहिए, लेकिन वो जो अपोजिशन जमाते हैं उनका मुतफिका कोई लाहेमल सामने आएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ नैब का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है वाने सदर में, ये सिर्फ अपने आप को इमरान नियाजी एनआरओ देना चाहता है, अपनी एटीएम्स को एनआरओ देना चाहता है। ये ऑर्डिनेंस के जरिए अपने आप को एनआरओ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस एनआरओ को बीच चौराहे फाड़ के फेंक दिया है।